नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी Redmi के फ़ोन पे यदि आपका SD कार्ड डिटेक्ट नहीं हो पाते और या फिर आपका SD कार्ड काम नहीं करते, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पे मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे कि दोस्तों आप यहाँ पर आपका प्रॉब्लम फिक्स कर सके। तो यहाँ में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है आपके SD कार्ड पे, और यार फिर दोस्तों आपका यहाँ पे जो SD कार्ड है वो डिटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, और यार फिर दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता रहे, तो यदि आपका SD कार्ड यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो पाते तो यहाँ पे दोस्तों आप सबसे पहले ये कीजिए कि आपका जो SD कार्ड होते हैं उसको आप अनमाउंट कर दीजिए। ठीक है, तो आप सेटिंग पर जाइए। सेटिंग पे जाके दोस्तों आपका यहाँ पे जो स्टोरेज है उसको आप यहाँ पे सर्च करिए। ठीक है, यहाँ पे सर्च कीजिए, उसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पे SD कार्ड है उसको अनमाउंट कर दीजिएगा। ठीक है, अनमाउंट SD कार्ड करके दोस्तों यहाँ पे आप SD कार्ड को रिमूव कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप यदि SD कार्ड यहाँ पे आप ये कर सकते तो कर लीजिए, यदि आपको SD कार्ड का यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो आप डायरेक्टली अपने SD कार्ड को बाहर निकाल लीजिएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप इजेक्ट कर लीजिए अपने SD कार्ड को। तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा SD कार्ड को यहाँ पे दोस्तों साफ़ कर लीजिएगा, उसके बाद आप दोबारा से एंटर कर लीजिए। ठीक है, आप दोबारा से अपना SD कार्ड को अंदर पे भर लीजिएगा मोबाइल पे, उसके बाद दोस्तों आप चेक कीजिए, प्रॉब्लम यहीं पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ में दोस्तों ज़्यादातर प्रॉब्लम जो रहता है यहाँ पे दोस्तों बाहर निकल के आप दोबारा से जब भर देते यहाँ पे दोस्तों SD कार्ड को, तो यहाँ पे दोस्तों वो अपने आप कम कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कभी कभी ये प्रोसेस चलता है, कभी नहीं चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे कभी क्यों नहीं चलता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका जो SD कार्ड है उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों आपका जो SD कार्ड है उसमें प्रॉब्लम है तो फिर दोस्तों यहाँ पे आपका SD कार्ड वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा SD कार्ड जो होते हैं उसमें वायरस वगैरह चले जाते हैं, तो उसके वजह से दोस्तों यहाँ पे हमारा SD कार्ड चलना बंद हो जाता है और यहाँ पे दोस्तों SD कार्ड का प्रॉब्लम और इश्यू आ जाते हैं। ठीक है, तो यदि दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो अभी यहाँ पे फिक्स नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप किसी फ़ोन पे दूसरा फ़ोन पे आप ट्राई कीजिए। ठीक है, आप दूसरा फ़ोन पे भी अपने SD कार्ड को ट्राई कीजिए। तो दोस्तों यदि उस फ़ोन पे जाता है और आपका SD कार्ड वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है, और या तो फिर दोस्तों किसी तरह का उस फ़ोन पे भी सेम प्रॉब्लम है, तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, यदि आपको SD कार्ड के रिगार्डिंग पे जो भी प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे सिंपली जो है दोस्तों आपको किसी यहाँ पे दोस्तों मोबाइल मैकेनिक के पास चले जाना या फिर टेक्नीशियन के पास जाके आपने अपना जो यहाँ पे SD कार्ड है उसको जो है स्कैन या फिर फॉर्मेट आपको कर लेना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वायरस के वजह से प्रॉब्लम आते हैं आपके SD कार्ड पे, तो आपको सिंपली जो है दोस्तों जाके यहाँ पे सॉफ्टवेयर कर लेना है या फिर स्कैन कर लेना है, और या फिर दोस्तों आपका जो यहाँ पे SD कार्ड है उसको फॉर्मेट डायरेक्टली कर देना है, तो उसके बाद जाके दोस्तों आपका SD कार्ड का जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों यदि आप SD कार्ड को फॉर्मेट कर देता है तो पूरा इरेस हो जाएगा, तो लेकिन दोस्तों आप में आप फिर से दोबारा उसमें भर सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी ऐड किया था तो आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये आप कर देने के बाद प्रॉब्लम यहाँ पे डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर SD कार्ड का जो प्रॉब्लम रहते हैं तो आप वो स्कैन करने के बाद या फिर दोस्तों आप यहाँ पे PCP स्कैन या फिर फॉर्मेट कर देने के बाद प्रॉब्लम यहाँ पर ही फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो आप ये सेटिंग और या फिर ये सॉल्यूशन आप यहाँ पे कर लीजिए, उसके बाद जाके दोस्तों आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप यही सॉल्यूशन दोस्तों करके देखिए, यदि कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।